करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इंदौर ने अपराध दर्ज किया है। इंदौर के विजयनगर में जमीन पर होटल में हिस्सेदारी देने के नाम पर किसान जगदीश पालीवाल के साथ धोखा कर फर्जी दस्तावेजों से बेशकीमती जमीन अपने नाम करवाने वाले इंदौर के बड़े उद्योगपतियों के साथ साथ तत्कालीन आईडीए के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह आलिशान होटल वॉब, यह होटल जिस जमीन पर बनाई गई है वह जमीन कूट रचित दस्तावेजों से अपने नाम कर ली गई थी। इसी होटल में हिस्सेदारी देने का वादा कर फरियादी किसान जगदीश पालीवाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें तुलसीदास पिता ताराचंद मनवानी, गिरीश पिता कृष्ण मतलानी, चांदनी पिता गिरीश मतलानी और हेना बादवानी सहित तत्कालीन आईडीए के अधिकारी को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि नीमच के रहने वाले किसान जगदीश पालीवाल सालों से अपनी जमीन पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले शहर के रसूखदार लोगों में शुमार है, इसलिए वह अब तक किसान जगदीश पालीवाल को कामयाबी नहीं हासिल हुई थी। अब जगदीश पालीवाल को इस एफआईआर के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। किसान जगदीश पालीवाल का कहना है कि अब भी उन्हें डर है कि कहीं वह न्याय से वंचित न रह जाएं, इसलिए वह हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में पूरी जांच कराना चाहते हैं।